मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप सभी को जय हो। अभी एग्जाम होने के बाद में सभी स्टूडेंट के दिमाग में यही क्वेश्चन चल रहा है कि आखिर क्या होगा नीट 22 का कट ऑफ। तो इस वीडियो में मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा और इसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं जो मैं कट ऑफ प्रेडिक्ट कर रहा हूं, किस कारण से ये कट ऑफ जा सकती है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप काउंसलिंग के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं, क्योंकि काउंसलिंग अभी शुरू होने वाली है, उससे पहले आपको प्लानिंग करनी होगी, आपने अपने मार्क्स कैलकुलेट कर ही लिए होंगे, तो अगर आप काउंसलिंग के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो इसके बारे में मैंने हर बार की तरह इस बार भी बुक लिखी है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं कि आपके स्कोर पर आपको कौन सी कॉलेज मिल सकती है। इसमें मैंने पूरी डिटेल्स दे रखी है, स्टेट वाइज बॉन्ड डिटेल दे रखी है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, कट ऑफ, क्या आपको कॉलेज, कौन सी कॉलेज मिल सकती है, पूरी की पूरी जानकारी है। मैं समझता हूँ ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। तो अभी करते हैं वीडियो की शुरुआत। पेपर आपने दे लिया है, आपको पता है पेपर कैसा आया है, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि अलग अलग स्टूडेंट के लिए पेपर के रिव्यू अलग अलग होते हैं। तो ओवरऑल जो रिव्यू रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको बता दूं कि जो कट ऑफ है, मैं ये वो प्रेडिक्ट कर रहा हूं, ये फर्स्ट स्टेप का है। इसके बाद में एक डिटेल्ड एनालिसिस लेके आऊंगा कि फिजिक्स में कितनी पेपर, कितने क्वेश्चन इजी थे, कितने मॉडरेट थे, केमिस्ट्री में कैसे थे, बायोलॉजी में कैसे थे, तो उसके बेस पर मैं आपको एक्यूरेट कट ऑफ बताऊंगा। तकरीबन एक्यूरेट ही जाती है मेरी कट ऑफ, ये आप जानते हैं जो मेरे पहले से वीडियो देखते आ रहे हैं। तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये मैं पहले आपको एक इनिशियली कट ऑफ बता देता हूं, क्योंकि हर एक स्टूडेंट के दिमाग में अभी यही आ रहा है कि क्या कट ऑफ जा सकती है, तो इसके बारे में मैं रफली आइडिया आपको दे रहा हूं यहां पर। तो पेपर कैसा रहा था फिर भी मैं आपको बता दूं, आपने पेपर दिया है फिर भी जो ओवरऑल बच्चों का रहा है, मैं भी सेंटर्स पर गया हूं, मैंने भी पेपर देखा है, तो जो ओवरऑल रहा है वो इसमें ज्यादा जो क्वेश्चन थे वो करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट बेस के क्वेश्चन थे। इस बार एनटीए ने पेपर का पैटर्न चेंज किया है, पिछली बार पेपर का पैटर्न अलग था, इस बार पेपर का पैटर्न अलग है जिसमें करेक्ट इनकरेक्ट के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा थे, जिसमें समय ज्यादा कंज्यूम होता है। हालांकि इस बार 20 मिनट्स का समय ज्यादा दिया गया था, फिर भी ये समय का इतना ज्यादा स्टूडेंट को फायदा नजर नहीं आया, क्योंकि इसमें पेपर काफी लेंथी था और करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड काफी सारे क्वेश्चन थे, असेसमेंट रीजन बेस्ड क्वेश्चन भी काफी सारे थे इस पेपर में, लेकिन ये फुली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पेपर था, लेंथी क्वेश्चन था, लेंथी क्वेश्चन थे। इसके बाद में इसमें दो क्वेश्चन बोनस होंगे, एक तो फिजिक्स का जो स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला है वो बोनस है, और दूसरा केमिस्ट्री वाला जो ईएमएफ वाला है वो आपने देख लिया होगा, ये दोनों क्वेश्चन इसमें बोनस होने की पूरी पूरी संभावना है। तो ये बोनस होंगे तो 10 मार्क्स का, कई स्टूडेंट को 8 और से 10 मार्क्स का ये डिफरेंस नजर आएगा इसमें। इसके बाद में हम ओवरऑल पेपर की बात करें तो फिजिक्स इजी था, फिजिक्स का जो पेपर था वो इजी था, फार्मूला बेस्ड काफी क्वेश्चन थे, फार्मूला लगाओ। दूसरा था केमिस्ट्री का, वो मॉडरेट था, पिछली बार से थोड़ा सा डिफिकल्ट था ये, और इसके बाद में बायो का इजी टू मॉडरेट था। तो ये ओवरऑल रहा है, और अब इन तीनों सब्जेक्ट का देखें तो पेपर ये इजी टू मॉडरेट ही है, इस बार का 22 का जो पेपर रहा है वो इजी टू मॉडरेट है। अब पहले ऐसा हुआ करता था कि 20 में भी जो क्वेश्चन पेपर आया था, 21 में भी आया था, 19 में भी आया था, एक एनसीईआरटी में सीधी लाइन उठा के डाल दी जाती थी पेपर में, लेकिन इस बार पैटर्न चेंज हो गया है, इसके अकॉर्डिंग आया है, पेपर लेंथी था, इसमें कुछ जो पहले एम्स में पूछा करते थे उस प्रकार के भी क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे, तो पेपर थोड़ा सा ठीक ही था। अब हम डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं, कट ऑफ क्या रह सकती है। तो ये तो मैं आपको पूरा कैलकुलेट करने के बाद में
कट ऑफ फिर से बताऊंगा, लेकिन आपको एक रफली आइडिया दे देता हूं जिसमें मैंने सारे पॉइंट्स को नजर रखा है। इसमें टोटल सीट्स कितनी है, नंबर ऑफ कैंडिडेट अपेयर कितनी है और पेपर का लेवल। मैं आपको यहां बता दूं कि सारा जो डिपेंड करता है वो पेपर के डिफिकल्टी लेवल पर डिपेंड करता है पूरा का पूरा। जो नंबर ऑफ सीट्स है और इसके बाद में नंबर ऑफ अपेयरिंग कैंडिडेट है, इसका इफेक्ट तो पड़ता है लेकिन कम पड़ता है। सबसे ज्यादा इफेक्ट किसका पड़ता है? पेपर के डिफिकल्टी लेवल का पड़ता है। तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए मैंने पूरा कैलकुलेशन तैयार किया है। तो आपको इनिशियली एक रफ आइडिया देता हूं, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ, ये मैं जो कट ऑफ बता रहा हूं ऑल इंडिया कोटा की बता रहा हूं, इनकी तकरीबन इन तीनों कैटेगरी की कट ऑफ तकरीबन समान होती है, मार्क्स में भी तो समान ही होती है। मैं यहां पर आपको बता देता हूं एक रफली आइडिया, 600 से अबोव जिस स्टूडेंट के हैं वो सेफ जोन में है अभी तक। उसके बाद में जब रैंक आएगी उसके बाद क्या सिचुएशन रह सकता है वो अलग हो सकता है, लेकिन हम यहां मान के चल रहे हैं 600 मार्क्स। एससी कैटेगरी का अगर हम माने, एससी कैटेगरी का 600 यूआर का 600, एससी कैटेगरी का 480 मार्क्स यहां पर हम मान सकते हैं। 480 मार्क्स और 460 मार्क्स एसटी कैटेगरी का यहां पर हम, ये आपको मैं इनिशियली बता रहा हूं। इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा जिसमें पूरा डिटेल होगा कि सेक्शन ए में फिजिक्स में कितनी क्वेश्चन इजी, कितनी मॉडरेट, कितनी डिफिकल्ट, सेक्शन बी में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में अलग अलग, सभी के कैलकुलेशन करके नेगेटिव कितने हो सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक मैं आपसे लेता हूं विदा। जय हिंद।